स्वागतम दोस्तों। तो वियोकॉम 18 ने रात के 10 बजे ट्रेलर रिलीज किया है लाल सिंह चड्ढा का। यस, रात के 10 बजे ट्रेलर रिलीज किया और अब बजे हुए रात के 3 बजे। अब मैं एडिट करके इसको शूट कर रहा हूँ। यस, फाइनली ट्रेलर रिलीज हो गया लाल सिंह चड्ढा का। आमिर खान जी, करीना कपूर जी, मोना चैतन्या जी। यस, तो 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है मूवी है। तो देखते हैं इस पर मिक्स मैसअप रिएक्शन, बहुत सारे एक्टर्स इंक्लूड करें। आपको अगर मिक्स रिएक्शन देखने में मजा आए तो वीडियो लाइक जो करना, चैनल को सब्सक्राइब जो करना, और जो वीडियो लेंगे और एक्टर्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जो भी हुंदा है वो हम कर दे या फिर हम हवा विच ऐवें उड़ते फिरते हैं यहाँ से वहां। हवा में चाहे भी वो उड़ते फिर दे। तुम्हारी बहन को क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ। कहाँ रहते हो? अपने घर में। दो क्या? नहीं जी, मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ। आपका बच्चा अलग है, कुछ बच्चे होते हैं okay, so, कुछ होते हैं कम और कुछ नॉर्मल से कम, जैसे आपका लाल। मैं ले लेता हूँ। ओए, तो अपना काम कर, वो खुद उठाएगा। किसी से कम नहीं है तू, बाकी बच्चों जैसा ही है। मैं जो किया है वो हमेशा याद रखी। भाग लाल भाग। अब कुछ लोग विश्वास नहीं करते पर जिंदगी में चमत्कार होते हैं जी। हाँ, मम्मी कहती थी कि हर एक दी अपनी तकदीर होती है, के सारा कुछ लिखिया होता है। मैंने नहीं पता कितने लिखिया है सब, किसने लिखिया है और क्यों लिखिया है जो लिखिया है। रूपा मेरे साथ ब्याह करेगी? तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो लाल, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता। 11 अगस्त को आ रही है। मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही भर जावे मन नहीं भरता। हम क्या पता हमें है कहानियां है कहानी में हम। बड़ी बात है कि इस मूवी में आपको आमिर खान जी की पंजाबी सुनने को मिलने वाली है। यस, पंजाबी के डायलॉग्स होंगे और इस ट्रेलर में उनका बचपन दिखा दिया गया है, करीना कपूर जी का साथ दे दिया गया है, थोड़ा मोटिवेशन भी दिखा दिया गया है कि कैसे वो बचपन में लंगड़ा के चलते थे, उनको चल नहीं पाते तो फाइनली वो चल पाए और फिर अवार्ड तक जीत जाते हैं। तो देखते हैं अब ये कैसी जाती है। थोड़ा क्यूट सा बनाए रखा था ट्रेलर, लेकिन लेकिन लोग खींच के जाते हैं मूवी देखने, वो बड़ी बात है। मुझे लगता है और भी एक और आधा ट्रेलर आ सकता है, क्योंकि इस ट्रेलर में कुछ इतना वो आइडिया नहीं मिला कि क्या है मूवी में। ट्रेन में बैठा हुआ आमिर खान जी को हर जगह दिखाया जा रहा है। मिस बेसिकली मैंने देखा पहले भी इसके जो पोस्टर्स रिलीज हुए थे ट्रेन में बैठे थे, तो ट्रेन में का ट्रेन का बहुत तगड़ा सीन है। मुझे लगता है कोई कहानी बता रहा है ट्रेन में किसी इंसान को, पूरी मूवी उस पर, लेकिन कहानी पर पता चलेगा। ये थी आपकी मैसेज प्रश्न, आपको मैसेज प्रश्न देखने में रहते, वीडियो लाइक जो करना, चैनल सब्सक्राइब जो करना। तो मिलते दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।